हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है एमिनो एसिड्स। आपको पता है कि बायो इनऑर्गेनिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो टॉपिक है एमिनो एसिड्स, ये आप 11th क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हो और आपकी पीजी तक चलता है। ठीक है, तो मैं डिटेल में शेयर करने वाली हूँ, काफी मेन पॉइंट टू पॉइंट। ये आपका क्वेश्चन अगर एमएससी की क्लासेस ही मैं यहाँ पे देती हूँ ना, तो उसी के अकॉर्डिंग बात करूंगी, तो ये आपका शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है और ना ही हमें फिर एक्स्ट्रा मटेरियल करना है। ठीक है, मैं आपको डिक टू पॉइंट बताती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने अब तक मुझे फॉलो नहीं किया है टेलीग्राम पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं इंपॉर्टेंट नोट्स एंड टाइम टू टाइम जो टॉपिक्स होते हैं, जो चेंजेस होते हैं सिलेबस में, वो शेयर करती रहती हूँ। उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, और अगर आपको किसी सेमेस्टर की स्पेशल प्लेलिस्ट चाहिए, आपको लगता है नोट्स नहीं है बट नोट्स तो अवेलेबल हैं, तो प्लेलिस्ट देख लो, हर एक सेमेस्टर की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं एमिनो एसिड्स को। अमीनो एसिड्स क्या है? सबसे पहले अमीनो एसिड्स को क्लियर करने से पहले हमें प्रोटीन्स को पढ़ना है कि प्रोटीन क्या होती है। ओके, और अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन आर बिल्डिंग मटेरियल ऑफ बॉडी। ठीक है, सो जो आपका प्रोटीन है वो क्या है, जो बॉडी बनी होती है वो आपकी प्रोटीन्स की बनी होती है। ये तो क्लियर है। देन आ जाता है, अब जो प्रोटीन है वो आपकी रिपीटेड अमीनो एसिड्स की बनी होती है। ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए ही डिस्कस किया था कि प्रोटीन तो आपकी जो बॉडी है वो प्रोटीन की बनी होती है, बट प्रोटीन आपके रिपीटेड अमीनो एसिड्स की बनी होती है, तो इनडायरेक्टली आपके बॉडी के मेडअप में जो अमीनो एसिड्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं है कि जो प्रोटीन है वो रिपीटेड अमीनो एसिड्स की बनी होती है, और प्रोटीन मिलकर बॉडी बनाती है। आपको पता ही है कि हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स है ना, किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, राइट। तो अमीनो एसिड क्या है उसके लिए एक नॉर्मल सा आपको इंट्रो मिल गया। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अमीनो एसिड्स के टाइप्स क्या क्या हैं। तो अब हम शेयर कर देते हैं, अमीनो एसिड्स आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है आपका एसिडिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, देन आपका सेकंड होता है बेसिक अमीनो एसिड्स, एंड थर्ड होता है आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। अब इनके बारे में डिटेल में देखते हैं, एसिडिक कौन से होते हैं, बेसिक कौन से होते हैं और न्यूट्रल कौन से होते हैं। आई थिंक यहां तक तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है,